अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रमज़ान इफ्तार स्पेशल में एक बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बिल्कुल आसान है बनाने में, बस ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं फ्रेंड्स। इनको बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपके स्नैक्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनको छील लिया है। अब हम इनको स्लाइस करेंगे। तो इनकी जो ये पॉइंटेड वाली साइड होती है फ्रेंड्स, इस तरफ से हमें इन्हें स्लाइस नहीं करना है, वरना जो स्लाइसेस हैं वो काफ़ी छोटे बनेंगे और हमें इनके बड़े स्लाइसेस चाहिए। तो ये जो इनकी चपटी वाली साइड है, इस साइड से हम इनको स्लाइस करेंगे ताकि जो स्लाइसेस हैं वो बड़े बड़े बने, तो हमारे लच्छे भी काफ़ी बड़े बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लाइसर का यूज़ किया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये काम नाइफ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, करीब 4-5 है, और इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब हम नाइफ के हेल्प से इनको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे ताकि इनके लंबे लंबे थ्रेड्स बन सकें। हम इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, वरना ये देखने में इतने अच्छे नहीं लगेंगे। इनके थोड़े से स्टिफ थ्रेड्स ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इनको कद्दूकस नहीं किया है। तो इसी तरह से हमने ये दोनों आलुओं के थ्रेड्स यानी लच्छे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ एक और तरीका। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये 3-4 स्लाइसेस ले लिए हैं, इनको हम सीज़र के हेल्प से इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। तो आपको जो मेथड इजी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, वैसे आप इनको कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इनको बहुत ज़्यादा बारीक मत काटिएगा, ये थोड़े से नुमाया हो तभी देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से वॉश कर लेंगे ताकि जो इनके अंदर का स्टार्च है वो निकल जाए, जिससे हमारे ये लच्छा बॉल्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इन लच्छों को अच्छी तरह से मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया है फ्रेंड्स। अब मैं इनको रख देती हूँ इस छलनी के ऊपर ताकि इनके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी रह गया हो वो भी इस छलनी में से ड्रेन आउट हो जाए। तब तक आइए हम इनके साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ डिप बना लेते हैं। इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2-3 टेबल स्पून बटर डाल दी है इस पैन के अंदर। जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, तब हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा भी ऐड करेंगे। अब मैदे को हम बटर के साथ मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है फ्रेंड्स और इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मैदे को हमें ब्राउन नहीं करना है। जब ये इस तरह से थोड़ा लिक्विडी दिखने लगेगा और इसमें इस तरह का झाग आने लगेगा, बस तभी तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली दूध भी ऐड करते जाएंगे और इस तरह से इसको स्टर करेंगे और साथ ही हम इसको मैश भी करते जाएंगे ताकि इसमें किसी तरह के लम्स ना बने। तो इसमें सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, वरना इसमें लम्स बन सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और इस तरह से मिक्स भी करेंगे और इसको मैश भी करेंगे। तो तकरीबन 300 ml दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको करीब 1 मिनट तक पका लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। अब हम इसमें 3-4 टेबल स्पून चीज़ ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज़ लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह शेडर चीज़ या फिर चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको करीब 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो चीज़ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और जो हमने इसमें रेड चिली सॉस डाली है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, उससे हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो मोजरेला चीज़, बटर और ये चिली सॉस वगैरह इसमें यूज़ किए हैं उन सब में ऑलरेडी नमक है। तो नमक को थोड़ा हाथ रोक कर ही डालिएगा फ्रेंड्स। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी नाचो चीज़ सॉस बनकर तैयार है। तो अभी इसको रख देते हैं साइड में और वापस आते हैं अपने पोटैटो लच्छा बॉल्स की तरफ। तो ये पोटैटो लच्छा काफ़ी ड्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए जो भी इसमें पानी था वो इस बोल में आ चुका है। तो पानी को हमने फेंक दिया है, अब मैं वापस इनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इस बोल के अंदर। अब हमें इसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा भी डाला है फ्रेंड्स। जो कॉर्नफ्लावर है वो इन पोटैटो बॉल्स को सुपर क्रिस्पी बनाएगा और जो मैदा है वो क्रिस्पी बनाने के साथ साथ इनको एक बाइंडिंग भी देगा। आधा चम्मच मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही मैं इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग डाल रही हूँ। गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं हो तो आप इसमें गार्लिक पेस्ट या फिर गार्लिक क्लोव्स को भी आप बारीक ग्रेट करके इसमें डाल सकती हैं। इसमें 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं फ्रेंड्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। मैंने करीब 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब हल्के हाथों से हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है क्योंकि नमक के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये आलू खुद ही अपने अंदर से काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा। नमक को ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को हमें बिल्कुल भी रखना नहीं है फ्रेंड्स, फ़ौरन ही इसके बॉल्स बना लेने हैं, वरना ये अपने अंदर से पानी रिलीज़ करता रहेगा।
उधर मैंने इनको फ्राई करने के लिए ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसका एक पोर्शन हाथ में लेना है फ्रेंड्स, और इस तरह से इसको दबाते हुए इसको एक बॉल का शेप दे देना है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, फिर भी आप देखिए कि इसके अंदर से कितना पानी निकल रहा है। तो इसको हम जितना ज़्यादा टाइम के लिए रख देंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर से पानी रिलीज़ होता रहेगा, तब इस मिक्सचर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से इनकी सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। इनको फ्राई करते टाइम भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको आगे इनको फ्राई करते टाइम बताऊंगी, जिससे आपकी बॉल्स एकदम परफेक्टली फ्राई होंगी और ऑयल में जाकर खुलेंगी नहीं। और जो इनमें से मैदा और कॉर्नफ्लावर का पानी निकल रहा है फ्रेंड्स, उसको भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्नैक्स बनते हैं जिनके लिए हमें कॉर्नफ्लावर और मैदे की स्लरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने आपके साथ क्रिस्पी पोटैटो वेजेस की रेसिपी शेयर की थी, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर भी आपको दे दूंगी। तो वो सभी बॉल्स बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स, आइए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है और मीडियम हॉट ऑयल में हम इनको फ्राई करेंगे, और ऑयल में इनको ड्रॉप करने के बाद करीब एक मिनट तक हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, वरना ये बॉल्स खुल सकती हैं। कुछ देर फ्राई होने के बाद जब ये थोड़े से फर्म हो जाएंगे फ्रेंड्स, तब हम इनको किसी फोक या फिर स्पैचुला से इस तरह से फ्लिप करेंगे और कंटिन्यूसली इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से घुमाते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये हर तरफ से इवनली फ्राई हो सके। तो इसी तरह से हमने सभी बॉल्स को गोल्डन एंड क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इनके लच्छे हैं वो एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं, जिससे ये बॉल्स देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और बाकी के बॉल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इनको सर्व कर लिया है इस मज़ेदार सी चीज़ डिप के साथ। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।